नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला में। मैं आपको बता दूं, ये जो चौथे फेज का एग्जाम रेलवे कराने वाला है, इस चौथे फेज के एग्जाम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। ये बदलाव होने के बाद हो सकता है कि आपकी जो सिटी इंटीमेशन है वो भी चेंज हो जाए, हो सकता है आपके एग्जाम की डेट भी चेंज हो जाए। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मैं आपको पहले बता देता हूं ये बात क्या है। आपको पता होगा कि ठीक 4 फरवरी को रेलवे नोटिस जारी करता है, जिसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 4 फरवरी को जो नोटिस जारी होते ही उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि चौथे फेज का जो एग्जाम होगा वो 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक चलेगा और लगभग इसमें 15 लाख स्टूडेंट पेपर देंगे। देखिए, 15 लाख स्टूडेंट को पेपर देना था। ये नोटिस जो जारी होती है 4 फरवरी की नोटिस है। ये 4 फरवरी की नोटिस में पता चलता है कि 15 मार्च से लेकर 3 मार्च तक टोटल हमारे 15 लाख स्टूडेंट चौथे फेज का एग्जाम देंगे। बाकी सारी बातें आप सब लोगों को पता है, उसी तरह से इक्वल लेटर आना है, उसी तरह से सिटी इंटीमेशन होना है। अभी शाम के जस्ट जो है नई नोटिस भी रेलवे जारी करता है और ये नई नोटिस देखिए क्या है। ये नई नोटिस में ये देखिए, ये जो नई नोटिस जारी किया है, ये नई नोटिस जारी किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, CEN नंबर 01/2019, यानी NTPC की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, नोटिस भी पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में। ये देखिए, ये नोटिस में क्या बात बोली गई है। ये नोटिस में साफ साफ बोला गया है कि जो आपका सिटी इंटीमेशन, जो आपकी नोटिस पहले जारी हो चुकी थी, ऑलरेडी इंटीमेटेड वीडियो वाइड नोटिस डेटेड, मतलब जो नोटिस आपकी 4 तारीख को जारी हो चुकी थी 4 फरवरी को, उसमें आपको बताया गया था कि 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक आपके 15 लाख स्टूडेंट पेपर देंगे। लेकिन देखिए, इस बार इन्होंने रेलवे ने क्या किया है कि जो स्टूडेंटों की संख्या उसे बढ़ाकर 15 लाख से 16 लाख कर दिया गया, मतलब टोटल और टोटल देखा जाए तो 1 लाख स्टूडेंट बढ़ा दिया गया है। यानी चौथे फेज में जहां पर अब एग्जाम 15 लाख का होना था पहले, अब जो होगा वो आपका 16 लाख का होगा, यानी पूरा का पूरा 1 लाख स्टूडेंट बढ़ाया गया है। सवाल ये उठता है कि ये 1 लाख स्टूडेंट का जो एग्जाम है ये कब से कब होगा। इन्होंने साफ साफ बोला है कि ये एग्जाम भी आपका अभी भी 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच होगा। तो बीच में कौन कौन सी डेट को होगा वो डेट समझ लेते हैं कि किस किस डेट को इन 1 लाख स्टूडेंट का पेपर होगा। तो वो डेट साफ साफ लिखी है, फॉर द कैंडिडेट शेड्यूल इन दिस फेज फॉर द डेटेड 15, 16, 17, 27, देख लीजिए 15, 16, 17, 27, मतलब इन फरवरी 15, 16, 27 फरवरी को। उसके साथ साथ देखिए मार्च में कहा जा रहा है 1, 2, 3, मतलब 15, 16, 17, 27 और 1, 2, 3 मार्च, ये कह सकते हो कि टोटल देखिए यहां 4 और यहां 3, 3 दिन में ध्यान रखिएगा ये 1 लाख स्टूडेंट के पेपर और बढ़ाए जाएंगे। तो एक बात सोचने वाली बात है कि अगर इन 7 दिनों में 4 यहां के 3 यहां के, इन 7 दिनों में 1 लाख स्टूडेंट के पेपर और भी होंगे, तो उस दिन जिन बच्चों का पेपर पहले से पड़ा हुआ था, जिन बच्चों के सिटी इंटीमेशन आ चुके थे, जिन बच्चों का एडमिट कार्ड आने वाला था, तो क्या इनके एग्जाम के जो डेट है या एग्जाम सेंटर है, एग्जाम सिटी, वो चेंज हो सकते हैं क्या? बिल्कुल भी चेंज हो सकते हैं। आप खुद सोचिए, अगर 1 लाख स्टूडेंट को इन 7 से डिवाइड किया जाए तो कह सकते हो अच्छा खासा एक दिन में अच्छा खासा स्टूडेंट बढ़ जाएगा। तो आप सब लोगों के अगर 60 इंटीमेशन आ चुके हैं तो दोबारा से एक बार जरूर रीचेक कर लीजिएगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है या फिर आपका सिटी इंटीमेशन क्या है। क्लियर है ना? ये बहुत बड़ी अपडेट रेलवे की तरफ से आई थी। सेशन को इतना ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बात पता चल सके। धन्यवाद।